आज का हमारा लेक्चर है सोशल चेंजेस अमंग द ट्राइब्स ड्यूरिंग कॉलोनियल कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल इंडिपेंडेंट इंडिया। देखिए ये एंथ्रोपोलॉजी का लेक्चर पेपर टू का लेक्चर 7.3 वाला सेक्शन है एंड इन दिस सेगमेंट वी आर गोइंग टू गेट थ्रू द आइडिया कि व्हाट आर द सोशल चेंजेस एंड व्हाई दोज चेंजेस यूज टू टेक प्लेस विद इन द ट्राइबल सोसाइटीज इन द पोस्ट कॉलोनियल एरा। ठीक है, तो दो चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। एक तो देखेंगे कि आखिर जो ट्राइब्स हैं, जैसे इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि ट्राइब्स के क्या क्या चेंजेस हुए थे या ट्राइब्स के क्या क्या प्रॉब्लम्स थे, एथनिसिटी क्या होती है, वो सब हमने डिस्कस किया था। एंड इन दिस सेगमेंट वी आर गोइंग बेसिकली डिस्कस व्हाट आर द चेंजेस सोशल चेंजेस अमॉन्ग द ट्राइब्स ड्यूरिंग द कॉलोनियल, मतलब कि ब्रिटिशर्स जो थे उस समय क्या क्या चेंजेस हुए थे उनके बीच में, ट्राइब्स के बीच में। एंड उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में क्या क्या चेंज है, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पॉलिसीज रही है ट्राइब्स के टुवर्ड्स ट्राइब्स, और उससे रिलेटेड क्या क्या बदलाव आया है ट्राइब्स के अंदर में। तो थोड़ा वास्ट होगा ये लेक्चर, अब थोड़ी डिटेल में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं पहले स्टार्टिंग से। देखिए जो 1971 में जो सेंसस हुआ था ना, तो उसमें लगभग कहा यह गया था कि लगभग 400 ट्राइबल कम्युनिटीज वेयर प्रेजेंट एंड दे वेर नियरली 38 मिलियन पीपल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अराउंड 6.9% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। तो 6.9% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन थे ट्राइब्स वगैरह। और अगर मैं तो और थोड़ा पहले चला जाए दैट इज 1947 से पहले, तो इट आप मान सकते हैं कि ये एक साइजेबल नंबर होगा। 400 नहीं भी तो कम से कम 200 या 100 के करीब तो होंगे। तो उस समय ट्राइब्स के संग क्या 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 चीजें हो रही थी, देखिए उस समय जो ब्रिटिशर्स थे उनके पीछे एक मतलब उनकी एक ही स्ट्रेटजी थी कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर में लगभग जितने भी इंडिया के रीजन्स पड़ते हैं उसमें अपना गवर्नेंस या डोमिनेंस फैलाना। एंड उसके लिए वो ट्राइबल सोसाइटीज तक को इंटीग्रेट कर रहे थे। इवन दे अप्रोच टिल मीन्स आपके आसाम और आसाम के रीजन तक आए थे। इवन दे वेंट टू अरुणाचल प्रदेश ऑल्सो और उस रीजन तक पहुँचे थे। हालांकि अरुणाचल प्रदेश या अरुणाचल का जो रीजन था वो इनएक्सेसिबल था क्योंकि हॉस्टाइल टेरिटरीज थी, तो उसके लिए उनको ज़्यादा सक्सेस नहीं मिला। बट फिलहाल अगर दूसरे जगह की बात की जाए तो अच्छा खासा उनको मिला है एक्सेस। एंड दिस एक्सेस लेड टू वेरियस चेंजेस इन द ट्राइबल सोसाइटीज। क्लियर। अब क्या क्या चेंजेस थे, देखिए चेंजेस में अगर बोला जाए या व्हाट वाज द रीजंस, तो एक तो ट्राइबल सोसाइटीज आमतौर पे माना जाता है कि वो सेक्लूडेड रहती है और अलग रहते हैं वो लोग। ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरत नहीं पड़ती है मेन स्ट्रीम पीपल से, क्योंकि दे आर बेसिकली द फॉरेस्ट ड्वेलर्स और फॉरेस्ट में आराम से वो रहते थे, उनकी पूरी लाइफ ही फॉरेस्ट के इर्द गिर्द घूमती थी। बट वेन दिस ब्रिटिशर्स दे यूज टू एंटर इन साइड दोज फॉरेस्ट एरियाज, तो उनकी जो पहली चीज़ इफेक्ट होती है वो है आइसोलेशंस। उनकी जो आइसोलेशंस की जो स्ट्रेटजी थी, मतलब दे आर आइसोलेटेड फ्रॉम द होल सोसाइटीज, वो अलग हो गई थी। मतलब वो उनको भी धीरे धीरे मेन स्ट्रीम लोग और बाकी सारे जो लोग से इंटरेक्शन होना शुरू हो गया था। दूसरा था डेप्ट ट्रैप। ब्रिटिशर्स ने लगभग उनको क्या किया, डेप्ट ट्रैप के झांसे में फैलाया। That is, मतलब they used to pay some amount of money और उसके एवज में उनसे काम करवाना और बाकी सारी चीज़ें, ये debt trap 3। एंड थर्ड जो था वो मिशनरीज ने ही बहुत हद तक चेंजेस किया। उस समय ब्रिटिशर्स के संग मिशनरीज भी आए थे और उन्होंने भी सबसे सॉफ्ट टारगेट मिले ये ट्राइब्स ही मिले, तो उनको कन्वर्ट करना और कन्वर्जन बहुत ज़्यादा ईजिली हो रहा था, तो ट्राइब्स भी थे। एंड फोर्थ जो उनके संग चेंजेस हुआ वो उनके लाइफस्टाइल को, मतलब जब रिलेशनशिप विद फॉरेस्ट वो चेंज हो गया। मतलब पहले जो फॉरेस्ट डोमिनेंट थी ये सोसाइटी, वो धीरे धीरे बदलने लगी और धीरे धीरे मेन स्ट्रीम की तरफ में आने लगे। तो ये एक बहुत ज़्यादा आप समझ सकते हैं एक सोशल और कल्चरल चेंजेस हुआ उनके अंदर में। जैसे कि सपोज करिए अगर आइसोलेशन की बात करते हैं, तो आइसोलेशन में अगर ट्राइबल सोसाइटीज़ को आइसोलेशन से हटाकर मेन स्ट्रीम में अगर डाल दिया जाए, तो समहाउ और अदर दे उनकी लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगी। लाइफस्टाइल चेंज होने के चलते बहुत सारी चीज़ें और भी बदलेगी। तो अगर आइसोलेशन को ही समझा जाए, तो देयर रिलेटिव आइसोलेशन वाज इरोडेड बाय द पेनिट्रेशन ऑफ मार्केट फोर्सेस एंड दे वेर इंटीग्रेटेड विद द ब्रिटिश एंड प्रिंसली एडमिनिस्ट्रेशन। इस हमने कहा कि उनके जो आइसोलेशन जैसे हटता है तो वो लोग, क्योंकि वहाँ पर उनके एरियाज में जो मार्केट फोर्सेस, चाहे मशीन मेड गुड्स वगैरह या मशीन मेड प्रोडक्ट्स वगैरह एंटर करना शुरू कर देते हैं,
जिसके चलते क्या होता है कि वो भी अपनी जो ट्रेडिशनल कल्चर थे उनको धीरे धीरे खत्म होने लगा, ठीक है। और धीरे धीरे जो ट्राइबल सोसाइटीज फर्दर दे स्टार्टेड इंटीग्रेटेड विद द प्रिंसली एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये सबसे बड़ा इफेक्ट हुआ। इससे उनके लिविंग स्टैंडर्ड बदला, लिविंग स्टैंडर्ड खत्म चेंज हुआ उनका, और लिविंग स्टैंडर्ड चेंज होने के चलते उनकी ऑब्वियस सी बात है उनके कल्चर में चेंजेस आया, दैट इज कल्चरल चेंजेस, ठीक है। तो ये दो चीजें काफी ज्यादा बदली, और ये बदलने के चलते ही क्या हुआ कि उनके टोटल जो रहन सहन या जो उनके जो फर्दर जो जो चीजें बदल रही थी, फट इसके चलते जो बाकी सारे रिपरकेशंस हो रहे थे उसमें बहुत सारे चेंजेस आए। तो आप समझ सकते हैं कि आइसोलेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके चलते ट्राइबल सोसाइटीज कॉलोनियल टाइम में अपनी जो सोशल और कल्चरल जो चेंजेस थी उसको अडॉप्ट किया, ठीक है। तो ये एक बहुत यूनिक रीजंस है फॉर द सोशल एंड कल्चरल चेंजेस। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन्स है वो डेब्ट ट्रैप वगैरह, जैसे हमने डिस्कस किया था कि डेब्ट ट्रैप जैसे चाइना की पॉलिसी है कि दूसरे कंट्रीज को डेब्ट दो और उनको ट्रैप में फंसा लो, सेम यही ब्रिटिशर्स भी कर रहे थे, और जिसके चलते वो ट्राइबल सोसाइटीज को कुछ पैसे या कुछ और चीज़ों को देकर उनको डेब्ट में फंसा लेते थे, और जिसके चलते फिर जो चाहते थे वो करते थे, उनके जमीन जो उनके हेरिटरी राइट्स थे उसको भी ले लेते थे। सो ए लार्ज नंबर ऑफ मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, रेवेन्यू फार्मर्स एंड अदर मिडलमैन एंड पीटी ऑफिशियल इन्वेडेड द ट्राइबल एरियाज एंड डिस्टरप्टेड देयर ट्राइबल ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, ठीक है। उनके ट्राइबल ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ उसको चेंज किया, बदला, हटाया, एंड दे वेर इंक्रीजिंगली इनगल्फ्ड इन डेब्ट एंड लॉस्ट देयर लैंड्स टू द आउटसाइडर्स। तो जमीनें जो थी उस जमीनों को उन्होंने लगभग बाहरी लोगों ने आकर उस जमीनों को ले लिया। जैसे देखिए आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी ये रहती है कि आप किसी भी ट्राइबल एरियाज में जाके आप जमीनें नहीं ले सकते, तो इस चीज को रिवर्स करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पॉलिसी लगाई थी, क्योंकि फिर ट्राइबल्स लोग उतने ज्यादा समझदार नहीं होते हैं और वो अपनी जमीनों को दे देते हैं कुछ पैसों के एवज में। होप आपको समझ में आया होगा ये चीज। थर्ड जो है, दे वेर ऑफन रिड्यूस टू द पोजिशन ऑफ एग्रीकल्चरल लेबरर्स, मतलब अपने ही जमीन पे वो लोग एग्रीकल्चरल लेबरर्स बन जाते थे, तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत थी क्योंकि आप जमीन उनकी है और वो वहां पर काम कर रहे हैं। तो इवन नॉट ओनली दैट, दे बिकम द शेयर क्रॉपर्स एंड देयर रैक रेंटेटेंट्स, ठीक है, जैसे आमतौर पे होता है। तो जिसके चलते उनके जो ट्रेडिशनल जो राइट्स थी, लैंड्स थे, वो ट्रेडिशनल वे में जो उनके ग्रो एक्सलेशन बर्न वगैरह जो भी टेक्निक वो यूज करते थे उसमें चेंजेस आना शुरू हुआ, और वो चेंजेस लेड टू द वेरियस अदर चेंजेस ऑफ द सोसाइटी। एंड मेनी वेयर फोर्स टू रिट्रीट फर्दर टू इन टू द हिल्स, और बहुत सारे लोग फिर फर्दर जंगल से हट के वो हिल्स के अंदर में जाना शुरू कर दिए, मतलब फर्दर सिकुलेशन होना शुरू हो गया। नेक्स्ट थर्ड जो रीजन है वो है मिशनरीज का, जैसे हमने डिस्कस किया, साइमल्टेनियसली मिशनरीज वेयर डिस्ट्रॉइंग देयर आर्ट, देयर डांस, देयर वीविंग एंड देयर होल कल्चर। मिशनरीज आए तो लगभग उनके जो रहन सहन के तरीके, उनके आर्ट, उनके डांस और बाकी सारी चीज़ों को बहुत हद तक चेंज कर दिया, जिसके चलते अब उनके पास कोई चारा ही नहीं बचा, ठीक है। नाउ दे फर्दर बिकम द मेन स्ट्रीम, वो मेन स्ट्रीम में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। और मेन स्ट्रीम में कन्वर्ट होने के चलते उनके जो अपनी जो ट्रेडिशनल जो आर्ट्स थी या ट्रेडिशनल जो डांसेस थे या जो वीविंग कल्चर्स वगैरह हुआ करती थी वो भी खत्म हो गई, ठीक है। तो दिस लेड टू फर्दर अदर चेंजेस इन द सोसाइटी, इन द ट्राइबल सोसाइटीज। एंड फोर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, रिलेशनशिप विद द फॉरेस्ट, मतलब ट्राइबल सोसाइटीज का जो फॉरेस्ट के संग जो रिलेशन था वो भी चेंज या खत्म हो गया। जैसे कि ट्राइबल डिपेंडेंस ऑन द फॉरेस्ट फॉर फूड, फ्यूल एंड कैटल फीड एंड फॉर रॉ मटेरियल्स फॉर देयर हैंडीक्राफ्ट, वो बदला। इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया द हंगर फॉर लैंड बाय द इमिग्रेंट पीजेंट्स फ्रॉम द प्लेन लीड्स टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, डिप्राइविंग द ट्राइबल्स ऑफ देयर ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, ठीक है। And to conserve forests and to facilitate their commercial exploitations, the colonial authorities bought large tract of forest lands under forest law. देखो जो forest laws वगैरह बनाकर उन्होंने क्या किया कि एक colony जो ब्रिटिशर्स ने वह उनकी ज़मीनों को लगभग exploit करना शुरू कर दिया था, तो वो भी अपने ज़मीनों से हाथ धो बैठे वो लोग। एंड लॉस फॉरवर्ड शिफ्टिंग कल्टिवेशन, जैसे शिफ्टिंग कल्टिवेशन को हम लोग बेसिकली बोलते हैं कि इससे फॉरेस्ट या जंगल खराब होते हैं, ऑब्वियस सी बात है इससे अब तो खराब हो ही रहे, बट पहले जो हुआ करता था पॉपुलेशन कम हुआ करते थे ट्राइबल्स की, और उसमें क्या होता था कि वो जंगल को जलाते थे ना, तो जब तक दूसरे जंगल को इस जंगल में जब तक ग्रो कराते थे करते थे, फिर इसका देश को खत्म हो जाने के बाद दूसरे जंगल को काटते थे, तो उतने बीच में ये जंगल फिर से ग्रो हो जाता था, ठीक है। उनको तो इससे होता क्या था कि बहुत हद तक कोई उतना डैमेज नहीं हुआ करता था,
अब क्योंकि बड़े तौर पे होती है तो इसलिए प्रॉब्लम हो रही है, बट पहले ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। होप आपको समझ में आ रहा होगा ये पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आप समझिए कि ये रिलेशनशिप विद द फॉरेस्ट ना, ये भी बहुत हद तक चेंज होना शुरू हो गया। तो अगर बोला जाए तो ये चार इंपॉर्टेंट रीजंस है, ये चार इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं जो रीजंस विच लेड टू द चेंजेस इन द सोशल सोशियोलॉजिकल एंड कल्चरल चेंजेस इन द सोसाइटीज, ठीक है, इन द ट्राइबल सोसाइटीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट होता है कि आखिर पोस्ट कॉलोनियल चेंजेस क्या क्या हुआ। तो ये जो कॉलोनियल चेंजेस हैं आमतौर पर अगर देखा जाए तो वो सब सारे थे कॉलोनियल चेंजेस। जब हमारा देश आजाद हुआ तो मोस्टली जो हमारे जो पॉलिसी जो बनाने के जो अधिकतर जो मेन जो इंसान थे जिसके जिन्होंने हमारी पूरी पॉलिसीज को कहीं स्ट्रीमलाइन किया, स्पीयर हेड किया, तो वो थे अपने जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू जी की जो पॉलिसीज थी ट्राइबल्स को लेकर बहुत ही यूनिक थी। वो चाहते थे कि जो हमारे ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं उनका डेवलपमेंट भी हो और उनकी जो ट्रेडिशनल वेज ऑफ लाइफ है वो भी सस्टेन या मेंटेन रहे। तो दीज वेर द थिंग्स विच ही वॉन्टेड। सो इसके लिए उन्होंने बकायदा बहुत हद तक चेंजेस भी किया, सोसाइटीज में बहुत हद तक बदलाव आया और वो बदलाव यूनिक था। जैसे कि सबसे पहला रूट्स क्या था हमारे ट्राइबल सोसाइटी की पॉलिसीज का, बेस ये था कि द हार्ट ऑफ द ट्राइबल इंटीग्रेशन पॉलिसी इज इक्वल टू प्रिजर्वेशन ऑफ द ट्राइबल पीपल्स, ट्राइबल पीपल्स का प्रिजर्वेशन एंड रिच सोशल एंड कल्चरल हेरिटेज। हम लोग चाहते थे कि उनके जो ट्राइबल पीपल्स हैं उनके जो रिच हेरिटेज, रिच सोशल एंड कल्चरल हेरिटेज वो मेंटेन रहनी चाहिए, वो सस्टेन रहे, वो इन मतलब प्रोटेक्टेड है, प्रिजर्व रहे। एंड द मेन इन्फ्लुएंस इन शेपिंग द गवर्नमेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स द ट्राइबल्स, ठीक है, ये मेन पॉलिसी थी। तो पॉलिसी आप समझ लीजिए एक ही था कि वहाँ के जो ट्राइबल पीपल्स की जो सोशियो रिच सोशियो एंड कल्चरल हेरिटेज था वो सस्टेन या मेंटेन रहे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पहला। और इसको मद्देनजर रखते हुए ही सारी पॉलिसीज डिटरमाइन की गई। जैसे कि सबसे पहला जो आया आपका कि उसमें अब इस पॉलिसी को चैलेंज मतलब चैलेंजेस क्या क्या थे इस पॉलिसी को, मतलब वाई दिस पॉलिसी वॉज नॉट वेरी मच इजी टू बी सस्टेन्ड। सबसे पहला ये था कि एक तो उनको इंस्पायर देम विद कॉन्फिडेंस, ट्राइबल पीपल्स को इंस्पायर करना कि भाई ये इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से इसको कर सकते हो, एक तो ये। दूसरा, टू मेक देम फील एट वन विद इंडिया, उनको ये लगना कि हाँ आप इंडिया के संग हो, इंटीग्रेटेड हो और इंडिया आपके भलाई के लिए ही सोच रहा है या कर रहा है। तो ये भी पहले तो उनको यकीन दिलाना कि इंडिया बोल के कोई कोई चीज़ है, तो वो भी बहुत ज़रूरी थी। एंड जैसे आपको मालूम हो एक इंसिडेंस हुआ था कि जब मतलब देश आज़ाद हुई थी तो लक्षद्वीप से रिलेटेड जो एक इंसिडेंस ये होता है कि लक्षद्वीप कुछ समय अगर देरी हो जाती तो शायद वो पाकिस्तान के पास चला जाता। तो इंडियन नेवी ने जब इंडियन नेवी अपने इंडिया के चारों तरफ घूम रहे थे तो उनको लक्षद्वीप आइलैंड मिला, और जैसे ही आइलैंड मिला वहाँ पर जाकर उन्होंने अपना झंडा गाड़ दिया, ठीक है। अब हुआ क्या कि वहाँ पर जो ट्राइबल्स थे वो बोले कि भाई ये क्या है, तो वो बोले ये इंडिया है और आप लोग इंडिया के अंदर में हो, तो इंडिया के अंदर में हो ये हमारे नेवल फोर्सेस ने बोला। खैर उनको तो मालूम ही नहीं था इंडिया क्या होता, ठीक है, और झंडे के बारे में जानते नहीं थे, तो समहाउ दे आर बीइंग इंटीग्रेटेड देयर। अब कुछ समय बाद ही पाकिस्तानी फोर्सेस आए थे वहाँ पर, नेवल फोर्सेस, तो उन्होंने देखा कि इंडिया का झंडा है तो फिर वो लोग वापस चले गए। तो अब समझ सकते हैं कि उनको फील कराना कि भैया आप इंडिया के अंदर हो या इंडिया आपका देश है, वो भी एक बहुत बड़ा टास्क था। थर्ड, टू रियलाइज देम दैट दे आर पार्ट ऑफ इंडिया एंड हैव एन ऑनर्ड प्लेस इन इट, ठीक है, वो इंडिया के पार्ट है और उनके पास उनका जो पोजिशन है एक ऑनर्ड पोजिशन है। फोर्थ, इंडिया टू देम शुड सिग्निफाई नॉट ओनली ए प्रोटेक्टिंग फोर्स बट ए लिबरेटिंग वन ऑल्सो। देश भारत देश जो है वो सिर्फ प्रोटेक्ट नहीं, उनको आज़ाद करने के लिए भी रखा, आज़ाद करने का भी फोर्स है। एंड लास्ट इज जवाहरलाल नेहरू थॉट दैट इंडियन नेशनलिज्म वॉज कैपिटल ऑफ एकोमोडेटिंग द कैपेबल ऑफ एकोमोडेटिंग द यूनिकनेस ऑफ द ट्राइबल पीपल्स। और हमारे जो इंटीग्रेशन देश था वो लगभग ट्राइबल सोसाइटीज को भी इंटीग्रेट कर सकती थी। ये बहुत कुछ हद तक हुआ भी था। देखो ट्राइबल, देखिए ट्राइबल मूवमेंट्स बहुत सारे हुए थे हमारे इंडिया में, और इसके कारण कम से कम लोगों के अंदर में ये फीलिंग थी कि ये हमारा देश वगैरह, या देश की फीलिंग थी उनके अंदर, ठीक है। धीरे धीरे मैं हम ये नहीं कह रहे कि सब पूरे कंट्रीज में थी ट्राइबल सोसाइटीज, जितने भी कंट्रीज के ट्राइबल सोसाइटी उसमें थी, बट नहीं तो कुछ कुछ हद तक तो थी। जैसे आपने बिरसा मुंडा के बारे में सुना होगा, सिद्धू कानू के बारे में सुना होगा, ठीक है, ये कुछ थी मतलब इंटीग्रेशन हुआ था। नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए तो
इंडिया की जो ट्राइबल इंटीग्रेशन का जो प्रोग्राम था वो उसके दो अप्रोचेस थे. एक तो अप्रोच ये था कि टू लीव द ट्राइबल पीपल्स अलोन, ट्राइबल पीपल्स जो थे उनको अकेला ही रहने दिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने इसको डिस्कस भी किया था. एंड दूसरा असिमिलेटिंग देम इंडिपेंडेंट कम्प्लीटली, मतलब एक तो या तो उनको अलग छोड़ दो, वो अपने जो जिनका जो हाल है उसी पर रहेंगे वो लोग. एंड दूसरा ये था कि असिमिलेट करना उनको कम्प्लीटली मीन सोसाइटी में. तो पहला वाला जो था अनकंटेन्ड बाई मॉडर्न इन्फ्लुएंस एंड टू लेट देम स्टे मोर और लेस एज दे वेयर, जैसे वो थे वैसे ही रहने दीजिए. इससे प्रॉब्लम ये थी कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस हैज ऑलरेडी गॉन टू फार इनटू ट्राइबल एरियाज टू कीप देम आइसोलेटेड, हेंस इट वाज नाइदर डिजायरेबल नॉर अप्रोप्रिएट टू कीप देम आइसोलेटेड, दस द अप्रोच वाज रिजेक्टेड. देखिए पहले ही ब्रिटिशर्स ने उनको इंटीग्रेट कर दिया था, मतलब आइसोलेशन जो था उनका खत्म कर दिया था, तो अब उनको करना आइसोलेट करना ये एक तरह से मतलब गलत होगा, तो इसको तो करा ही नहीं जा सकता, इसको पहले ही रिजेक्ट किया जाए. एंड दूसरा ये है कि असिमिलेट देम कम्प्लीटली एंड क्विकली एज पॉसिबल इनटू एन इंडियन सोसाइटी, ये भी किया जा सकता था उनको कम्प्लीटली और मतलब एकदम बहुत तेजी से उनको इंडियन सोसाइटीज में इंटीग्रेट कर दिया जाए. बट प्रॉब्लम ये थी कि पूरा उनकी ट्राइबल सोसाइटीज का ही डिसअपीयरेंस हो जाएगा. द डिसअपीयरेंस ऑफ द ट्राइबल वेज ऑफ लाइफ वाज नॉट टू बी रिग्रेटेड, इट वाज टू बी वेलकम बिकॉज दैट वुड रिप्रेजेंट देयर अपलिफ्टमेंट. तो हमें तो लगेगा ठीक है कि अपलिफ्टमेंट उनका हो रहा है, बट बहुत हद तक देखा जाए तो उनका रिच हेरिटेज और कल्चर गायब हो जाएगी. तो इस ये तो था, पर इसका कुछ डिमेरिट्स भी थे. उसके बाद हुआ क्या कि जवाहरलाल नेहरू का अप्रोच क्या था, मेकिंग देम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन नेशन इवन वाइल मेंटेनिंग देयर डिस्टिंक्टली आइडेंटिटी एंड कल्चर. उन्होंने दोनों चीज मेंटेन किया. एक तो किया क्या कि ठीक है उनको आप इंडिया का इंटीग्रल पार्ट बनाइए. एंड दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने किया कि उनका जो आइडेंटिटी था उसको भी मेंटेन होने दिया, रहने दिया. एंड इसके दो पैरामीटर्स हैं, एक तो ट्राइबल एरियाज हैव टू प्रोग्रेस एंड दूसरा द प्रोग्रेस शुड बी ऑन देयर ओन वे. मतलब प्रोग्रेस जो होना चाहिए उनके अपने तरीके से होना चाहिए, हमारे तरीके से नहीं कि हम कैसे प्रोग्रेस चाहते हैं. ठीक है, तो इट विल बी अकॉर्डिंग टू देम. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इसके चलते हैं उनके अंदर में जो भी चेंजेस है दैट इज दैट चेंज विल बी डिजायरेबल टू देम. होप इस समझ में आ रहा होगा आप लोगों को. ठीक है, तो ये दो पैरामीटर्स थे तो बेसिकली हुए. एंड इसके कुछ गाइडलाइंस थे, मतलब दिस होल पैरामीटर्स इज बीइंग फॉलोड बाय फाइव गाइडलाइंस. क्या क्या थे, मतलब गाइडलाइंस क्या कह सकते हैं कि इसमें और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है. द ट्राइबल शुड डेवलप अलॉन्ग द लाइंस ऑफ देयर ओन इंजीनियस, देयर शुड बी नो इम्पोजिशन और कंपल्शन फ्रॉम आउटसाइड. इसलिए शायद आपने आप लोगों ने देखा होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन ये है कि ट्राइबल एरियाज में, जैसे फिफ्थ शेड्यूल एंड सिक्स शेड्यूल के बारे में आपने सुना होगा, इन दोनों एरियाज में ये है कि भाई आप जो ट्राइबल सोसाइटीज ट्राइबल एरियाज के अंदर में पार्लियामेंट का मेन लॉ नहीं लगेगा एज इट इज, बट रादर वो अगर लगेगा भी तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस किए जाएंगे. तो वो चेंजेस ही एक्चुअली है द टर्म्स और कंडीशंस व्हिच ट्राइबल सोसाइटीज वांट अकॉर्डिंग टू देयर ओन वे. और ये कोई कंपल्सन नहीं होना चाहिए, जैसे कि ट्राइबल सोसाइटीज के अपने मैरिज और हेरिटेज राइट है. ठीक है, उसको हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, उसको वैसे ही रहने देंगे. इवन आप देख लीजिए जो अभी जो चेंजेस आई थी, मतलब सी ए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, वो भी इस एरिया में नहीं लागू हुए थे बहुत हद तक. एंड सेकंड जो है ट्राइबल राइट्स इन लैंड्स एंड फॉरेस्ट शुड बी रेस्पेक्टेड. ट्राइबल्स का जो राइट है लैंड और फॉरेस्ट में उसको रेस्पेक्ट करना पड़ेगा. एंड नो आउटसाइडर शुड बी एबल टू टेक पोजिशन ऑफ द ट्राइबल लैंड्स, कोई भी आउटसाइडर बाहर से वो जमीनें नहीं ले सकता. इसलिए देखिएगा अरुणाचल में आपको ILP का प्रोविजन है, आपने सुना होगा. ठीक है, तो वो चीज़ें नहीं होगी. थर्ड, टू इनकरेज द ट्राइबल लैंग्वेजेस, ट्राइबल लैंग्वेजेस को इनकरेज किया जाएगा. ट्राइबल लैंग्वेज के लिए एक डेवलपमेंट काउंसिल वगैरह बनाई जाएगी. ठीक है, एंड नेक्स्ट है फॉर एडमिनिस्ट्रेशन रिलायंस शुड बी प्लेस्ड ऑन द ट्राइबल पीपल्स देमसेल्व्स. एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वहाँ के ट्राइबल पीपल्स को ही इन्वॉल्व किया जाएगा. इसलिए देखिएगा बहुत सारे पंचायत वगैरह बनते हैं, ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल्स वगैरह बनते हैं, जैसे कि अरुणाचल में या दूसरे रीजन में भी है. एंड एडमिनिस्ट्रेटर शुड बी रिक्रूटेड फ्रॉम अमंग्स देम एंड ट्रेन. एडमिनिस्ट्रेटर उनके एरिया से ही सेलेक्ट किए जाएंगे और उनको ही ट्रेन किया जाएगा. एंड नो ओवर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज में ओवर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, बहुत कम थिनली होना चाहिए. एंड द एफर्ट शुड बी टू एडमिनिस्टर एंड डेवलप द ट्राइबल थ्रू देयर ओन सोशल एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशन. ठीक है, उनके हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए, ना कि गवर्नमेंट के मेन हिसाब से. इसके लिए मेजर्स क्या क्या लिए गए थे, टू टेक शेप्स टू देयर प्रोड्यूस पॉलिसी बिगनिंग वाज मेड विद द कॉन्स्टिट्यूशनल इटसेल्फ. मतलब सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में ही चेंजेस कराए गए. अब क्या क्या चेंजेस हुए थे,
ये आप लोग को भी मालूम होगा, जैसे कि आपका आर्टिकल 46 के रिगार्डिंग चेंजेस हुए थे, उसके बाद 5th एंड 6th शेड्यूल्स में चेंजेस हुए थे, उसके बाद एडवाइजरी काउंसिल बनाया गया था, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल अलॉन्ग विद वेरियस अदर चेंजेस। तो अगर देखा जाए तो सबसे पहला आर्टिकल 46, द स्टेट शुड प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द ट्राइबल विद स्पेशल केयर, प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सोशल इंजस्टिस एंड फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन थ्रू देयर स्पेशल लेजिस्लेशन। तो आर्टिकल 46 क्या करेगा, स्पेशल लेजिस्लेशन गवर्नमेंट को डायरेक्ट करता है कि आप एक स्पेशल लेजिस्लेशन बनाओगे और उस लेजिस्लेशन के अकॉर्डिंग ट्राइबल सोसाइटीज को प्रोटेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट आता है 5th एंड 6th शेड्यूल्स, वो कहता है कि द गवर्नर ऑफ द स्टेट इन विच ट्राइबल एरियाज वे आर सिचुएटेड वे आर गिवन स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट ट्राइबल इंटरेस्ट। तो वहाँ के गवर्नर को स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा कि उनके ट्राइबल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। एंड दे वर ऑल्सो गिवन द पावर टू मॉडिफाई सेंट्रल एंड स्टेट लॉज इन देर एप्लीकेशन टू ट्राइबल एरिया। जैसे मैंने कहा कि सेंट्रल और स्टेट लॉ को भी वो मॉडिफाई कर सकते हैं, फ्रॉम रेगुलेशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल राइट्स ऑफ लैंड, प्रोटेक्ट देम फ्रॉम मनी लेंडर्स, तो मनी लेंडर्स से बचाने के लिए। एंड थर्ड है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल इन ऑल स्टेट्स कंटेनिंग ट्राइबल एरियाज टू एडवाइज ऑन मैटर्स कंसर्निंग द वेलफेयर ऑफ द ट्राइबल्स। ठीक है, तो वो लगभग चीज़ों का कहीं ना कहीं ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल भी बनाया जाएगा। नेक्स्ट है कमिश्नर फॉर SC and ST, उसको अपॉइंट किया जाएगा, अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट टू इन्वेस्टिगेट वेदर द सेफगार्ड प्रोवाइडेड फॉर देम वेयर बीइंग ऑब्जर्व और नॉट। मतलब कि जो ट्राइबल सोसाइटीज के लिए जो सेफगार्ड दिए गए हैं वो कहीं ना कहीं वो देखे जा रहे हैं या उसको पालन किया जा रहा है कि नहीं, अगर नहीं किया जा रहा देन दैट शुड बी ब्रॉट इनटू एक्शंस। ठीक है, उसके बाद आता है आपका पॉलिटिकल राइट्स, ऑब्वियस बात है, देयर शुड बी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेचर एंड पोजिशन इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज फॉर द ST। ठीक है, नेक्स्ट कुछ और डेवलपमेंट हुए थे, जैसे कि एक तो लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्शन बाय द स्टेट टू प्रिवेंट लॉस ऑफ ट्राइबल लैंड्स टू नॉन ट्राइबल्स, वो किया गया, फॉरेस्ट राइट्स ड्वेलर्स एक्ट के बारे में आपने सुना होगा, ये फॉरेस्ट राइट ड्वेलर्स माने ST ट्राइब्स के फॉरेस्ट राइट को प्रोटेक्ट किया गया, एंड टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द ट्राइबल्स बाय द मनी लेंडर्स, तो एक्सप्लॉयटेशन बाय द ट्राइबल्स बाई मनी लेंडर्स ये भी किया गया ताकि मनी लेंडर्स उनके पैसों को एक्सप्लॉयट ना कर पाए, ये भी चीज़ है। स्पेशल फैसिलिटीज एंड प्रोग्राम फॉर द वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ द ट्राइबल एरियाज एंड द ट्राइबल पीपल्स, ठीक है, तो ये भी किया गया। नेक्स्ट प्रमोशंस ऑफ कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्रीज एंड जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कॉटेज और विलेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जाएगा और एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाएगा। एंड लार्ज एक्सपेंडिचर विच वे आर अंडरटेकन एंड लार्ज सम सेट अपार्ट इन 5-year plan, 5-year plan में भी लार्ज अमाउंट ऑफ मनी उनके लिए प्रोटेक्ट किया गया, इस सो दैट दे कैन ऑल्सो प्रॉस्पर एंड ग्रो। एंड एट द एंड द फंडिंग फॉर ट्राइबल वेलफेयर सिग्निफिकेंट इंक्रीजेस फ्रॉम 1971, तो 1971 के बाद इन सब सारे पॉलिसीज में फंड को बढ़ा दिया गया, तो इसलिए ट्राइबल एरियाज के अंदर में बहुत ज़्यादा चीज़ें का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, और ये डेवलपमेंट फर्दर लेड टू द चेंजेस इन द लाइफ स्टाइल ऑफ द ट्राइबल सोसाइटीज। तो पोस्ट कॉलोनियल में देखा गया कि वो सिर्फ 4 प्रोविजंस थे। ठीक है, जिससे आप लोगों को समझ में आया कि पोस्ट कॉलोनियल में हमने देखा, मतलब सॉरी प्री कॉलोनियल में हमने देखा या कॉलोनियल स्टेज में हमने देखा कि 4 स्टेजेस में उनके डेवलपमेंट हुए थे या रीजंस थे जिसके चलते उनके सारे लाइफस्टाइल चेंज हुए थे। एक तो आइसोलेशन हो गए, दूसरा डेप ट्रैप, तीसरा मिशनरीज एंड चौथा है रिलेशन विद फॉरेस्ट। हाउएवर इन आफ्टर द पोस्ट कॉलोनियल 1971 के बाद देखा गया तो सोसाइटीज में चेंजेस तो आए बट वो चेंजेस लगभग बहुत मतलब डोमिनेंट थे। ठीक है, और ये जो चेंजेस थे वो हमारी पॉलिसीज लेने के अकॉर्डिंग हुए। ठीक है, बहुत हद तक उनको प्रोटेक्ट किया गया, आज ट्राइबल सोसाइटीज अपने कल्चर और कस्टम्स के संग रह सकते हैं, उनके कस्टम और कल्चर को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस भी दिया गया। ठीक है, तो एक हद तक तो अगर कहा जाए तो संस्कृताइजेशंस से उनको बचाया गया है, मतलब आमतौर पर उनको नहीं उसको इम्प्लीमेंट कराया गया उनके, जैसे कि हम कल पढ़ेंगे MN श्रीनिवासन का के मसला है, श्रीनिवासन, तो उन्होंने जो ट्राइबल सोसाइटीज के बारे में स्ट्रक्चरल जो फंक्शनल अप्रोच बताया था वो बहुत हद तक वो चीज़ों से इफेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो दीज आर फ्यू कंसेप्ट रिगार्डिंग द सोशल एंड कल्चरल चेंजेस इन द ट्राइबल सोसाइटीज। ठीक है, तो इसको थोड़ा देखिए, आज के लिए इतना ही, कल हम फिर आएंगे अपने दूसरे सेगमेंट को लेकर। ठीक है, टिल देन टेक केयर।